एथिक्स का मैंने प्रिपरेशन प्रीलिम्स के बाद चालू की थी. ओके. सो उससे पहले मैंने GS 1, 2, 3 पे फोकस किया था. तो मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स एक ऐसी चीज है जो आप प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड इट इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स, रिजल्ट से पहले. तो उसमें जो है मैंने आई रेड अ बुक, क्रॉनिकल करके किताब आती है, आई रेड इट. सो उससे एक तो बेसिक थ्योरी जो रहती है वो भी समझना ज़रूरी है, बट मैंने जो मेनली चीज़ रही सिलेबस के एक एक वर्ड पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो कि मैं जीएस के लिए भी करता था, 1 हो 2 हो कोई सा भी हो. तो उस पर जो है एथिक्स में क्या इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से उनको एनरिच करना पड़ता है. आप खुद के एग्जाम्पल्स डालिए, आप पर्सनालिटीज के एग्जाम्पल डालिए, आप सपोज से स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन के एग्जाम्पल डालिए. तो एग्जाम्पल जरूरी रहते हैं और फ्लो डायग्राम्स भी मैंने इनमें काफी सोचे, तो वो मैं अपने नोट्स में डालता था और आंसर और टेस्ट देता था, खास करके केस स्टडीज के लिए.